नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के तहत शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जो महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं जारी हुई उसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा रीट और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी जाने वाली है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आप शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट आंसर की, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार और विभागीय योजनाओं के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली अपडेट है, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त संबंधित विषय में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत अध्यापक लेवल सेकंड सामान्य अथवा विशेष शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के बाहरी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय बोर्ड अथवा संस्थानों अथवा राजस्थान राज्य के गैर सरकारी विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों से अर्जित प्रशासनिक योग्यताओं के सत्यापन के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट लेकर के पूर्व प्रदर निर्देश अनुसार शिक्षक भर्ती 2022 गैर अनुसूचित अथवा अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय सामान्य अथवा विशेष शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के बाहरी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय बोर्ड अथवा संस्थानों अथवा राजस्थान राज्य के गैर सरकारी विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों से अर्जित प्रशिक्षण की योग्यता का सत्यापन कार्यालय आज स्तर से करवाया गया है। तत्क्रम में लेकर कि संलग्न लिस्ट, यह साथियों एक लिस्ट जो कल जारी हुई थी उसमें टोटल 33 अभ्यर्थियों की वो लिस्ट जारी हुई थी जो राजस्थान राज्य के गैर सरकारी विश्वविद्यालय या तो संस्थानों से उनकी जो डिग्रियाँ उनसे उनके सत्यापन से संबंधित। और इस वीडियो में आज आपको जो ये लिस्ट बताई जाएगी ये टोटल 56 अभ्यर्थियों की है। आप देख सकते हैं डिग्री सत्यापन से संबंधित अभ्यर्थियों की सूची, टोटल 56 अभ्यर्थियों की एक और लिस्ट जारी हुई है। रीट भर्ती 2022 लेवल सेकंड गैर सरकारी विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों से उनकी योग्यताओं के सत्यापन के संबंध में डिग्री सत्यापन आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट। इसके बाद में आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित भी बड़ी अपडेट आपको आज की दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश है और लोकेशन ऑफ सिटी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा ईयर, डिग्री के रोल नंबर, डिग्री का नाम और फादर्स नेम, कैंडिडेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट, मेरिट, सब्जेक्ट, रोल नंबर, इस प्रकार से ये टोटल जो है आपको 56 अभ्यर्थियों की लिस्ट इसमें बताई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग लिस्ट है, यहाँ से देख सकते हैं आप टोटल जो 56 अभ्यर्थियों की यहाँ पर ये टोटल सीरियल नंबर 56 तक ये लिस्ट जारी हुई है। रीट भर्ती 2022 लेवल सेकंड डिग्री सत्यापन से संबंधित एक और लिस्ट। अब आपको ले चलते हैं अगली खबर, यहाँ पर सेकंड ग्रेड भर्ती संबंधित कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर की ओर से कार्यालय आदेश जारी हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 विषय अंग्रेजी में गैर अनुसूचित अथवा अनुसूचित क्षेत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित पात्र और अभिस्थापित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन करके नियुक्ति और पदस्थापन के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी से संबंधित यहाँ पर एक और लिस्ट जारी हुई है। जो साथियों इसमें अपडेट आपको दी जाएगी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 अंग्रेजी विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं, कब तक उनको कार्यग्रहण करना होगा और उन अभ्यर्थियों की लिस्ट। इसके अलावा अंग्रेजी के अलावा हिंदी के भी इसमें एक और लिस्ट जारी हुई है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं 14 फरवरी 2024 को आयोजित परामर्श कैंप जो इनकी काउंसिलिंग हुई उसके बाद जो है मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण अथवा डिग्री वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट लेवल 11 में जो परिवीक्षा काल है उसके तहत मासिक पारिश्रमिक उनको 26,500 प्रतिमाह के तहत जो लिस्ट जारी हुई इसकी जानकारी दी जा रही है। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो परिवीक्षा काल रहेगा उसमें राज्य सरकार और संबंधित डिपार्टमेंट्स के द्वारा उनको जो भी लाभ दिए होंगे 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट दिए हुए हैं। इसके अलावा साथियों आप शिक्षा विभाग से जुड़ी और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर संस्था प्रधान को कार्यग्रहण करवाने से पहले आवश्यक कार्रवाई से संबंधित अपडेट है। आरक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट और विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में यहाँ पर दहेज नहीं लिए जाने का स्वयं घोषणा पत्र और अब इनको आप देख सकते हैं
13 मार्च 2024 तक इनको कार्यकरण करना होगा। पदस्थापना आदेश 6 अभ्यर्थियों के, जिसमें 6 अभ्यर्थियों के पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, 13 मार्च तक इनको कार्यकरण करना है। तो ये तो अंग्रेजी की भी जो है लिस्ट आपको बताई जा रही है उन अभ्यर्थियों की, फिर हिंदी की भी आपको बताई जाएगी। देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परिषद 2022 विषय अंग्रेजी में गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी हेतु अंतिम रूप से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापना आदेश दिनांक 28 में ये कल जारी हुई थी। कैंडिडेट की फोटो दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 6 अभ्यर्थी हैं अंग्रेजी के, और अब आपको हिंदी विषय से संबंधित भी जानकारी दी जा रही है। देख सकते हैं कार्यालय आदेश वही अजमेर संभाग से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा परिषद विषय हिंदी वरिष्ठ अध्यापक। इनकी 20 फरवरी 2024 को जो काउंसलिंग हुई दिव्यांग से संबंधित आप देख सकते हैं। इनको कब तक कार्यकरण करना है ये भी अपडेट आपको दी जाएगी और लिस्ट की जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 मार्च 2024 तक इनको कार्यकरण करना होगा। 4 अभ्यर्थी इसमें हैं, टोटल 4 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है, ये आप देख सकते हैं। हिंदी से संबंधित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परिषद 2022 विषय हिंदी में गैर अनुसूचित, इनके पदस्थापना आदेश हिंदी। तो ये टोटल 4 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा साथियों इन सभी आदेशों की PDF और सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल पाएगी, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।